आधार कार्ड से फोन पे अकाउंट कैसे बनाएं। अगर आपको भी कंफ्यूजन है कि आधार कार्ड से यूपीआई पिन कैसे सेटअप किया जाता है और कैसे फोन पे अकाउंट बनाया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो मेरे भाई, आपके पास ना एक बैंक अकाउंट का होना जरूरी है और आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर का लगना जरूरी है। अगर ये काम आपके पास दोनों कंप्लीट है तो आप ना अपने आधार कार्ड की मदद से ही यूपीआई पिन सेटअप करके फोन पे अकाउंट बना सकते हो, गूगल पे बना सकते हो और पेटीएम भी बना सकते हो। यानी जो काम एटीएम कार्ड का होता है ना, वो काम आप अपने आधार कार्ड से कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपने आधार कार्ड से ही यूपीआई पिन सेटअप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका भी पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट है और आपने अभी तक अपना फोन पे अकाउंट नहीं बनाया है, इसलिए कि आपको कन्फ्यूजन है कि यार एटीएम कार्ड नहीं तो मैं फोन पे अकाउंट नहीं बना पाऊंगा। देखो, एटीएम कार्ड का झंझट छोड़ दो, क्योंकि एटीएम कार्ड अगर आप यूज करते हो तो उसमें आपको चार्जेस भी देने पड़ते हैं। अगर आप यही काम अपने आधार कार्ड से करोगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। बस आपको ना अपने आधार कार्ड से अपना यूपीआई पिन सेटअप करना है। कैसे करना है और कैसे होगा, सारी चीजें इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। तो वीडियो को जो है ना आप एंड तक देखना। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको फोन पे से पैसा कमाने का तरीका भी बताऊंगा, जिसमें कि आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, यानी बिना एक रुपया खर्चा के, आप फोन पे से पैसा कमा सकते हैं महीने में 15,000 से 20,000 रुपए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, ये तो आपको पता चल ही गया, तो वीडियो को लाइक अभी से कर देना। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, पहली बार हमारा वीडियो देखा हो तो सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन भी दबा लो, क्योंकि जल्द ही हम 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं और फिर आपके लिए एक बड़ा सा गिव अवे लेके आएंगे, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप कमेंट कर देना, जो भी आपकी राय, सुझाव, कुछ भी देना चाहते हो तो कमेंट प्यारा सा कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे आप पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट के अंदर अपने आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेटअप करेंगे। आ जाओ मेरे साथ। अब देखो मेरे भाई, आधार कार्ड से फोन पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको फोन पे ऐप को डाउनलोड करना है। इसका डाउनलोड लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दिया है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा ही आप गूगल प्ले स्टोर पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको फोन पे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इंटर यूअर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लगाना है। और ध्यान रखना, आपको वही मोबाइल नंबर पे अपना फोन पे अकाउंट बनाना है जिस मोबाइल नंबर पे आपका बैंक अकाउंट लिंक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लगा लेते हैं। अपना मोबाइल नंबर लगाने के बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक 5 अंकों का OTP आएगा, जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा और आपका फ़ोन पे अकाउंट एक ही क्लिक में बन चुका है। अभी आपको ज़रूरत है इसके अंदर अपना बैंक अकाउंट लिंक करने की और अपना UPI पिन सेटअप करने की। अब देखो, बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए ना ऐड एड्रेस जहाँ पर लिख रहा नंबर में आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ऊपर आपका मोबाइल नंबर दिखाता है जिस मोबाइल नंबर पे आप फोन पे अकाउंट बनाया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन मिलता है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड न्यू बैंक अकाउंट, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो ऊपर ही यहाँ पर देख सकते हो कि पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट आपको मिल जाता है। अगर आपका कोई और बैंक अकाउंट रहता है तो आप सर्च कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको मिल रहा लिस्ट में तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमारा पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट है तो इस पर हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर ये सेंडिंग SMS करेगा, यानी मोबाइल में रिचार्ज होना भी ज़रूरी है। सेंडिंग SMS होगा, उसके बाद यहाँ से आपको परमिशन मांगी जा रही, तो परमिशन दे देनी है। अभी देख सकते हो कि फाइंडिंग अकाउंट लिंक है, देख सकते हो अकाउंट ऐड सक्सेसफुल। अब आपको ना यहाँ पर क्रिएट UPI का ऑप्शन मिलेगा। हमने UPI पिन अपना पहले से बना रखा है, इसलिए हमें रीसेट का मिल रहा। रीसेट करने का और क्रिएट करने का सेम ही प्रोसेस होता है। अब हम सेकेंडरी बार बना रहे हैं तो यहाँ पर रीसेट, अब देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ना ये डेबिट कार्ड डिटेल्स मांग रहा। अगर इस तरीके से आपके सामने मांगता है डेबिट कार्ड डिटेल्स, यानी यहाँ पर आपको आधार कार्ड वाला ऑप्शन नहीं देता है, तो अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से बैक कर देना है। बैक कर देने के बाद आपको गूगल पे को भी डाउनलोड करना है, और गूगल पे का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप गूगल पे को डाउनलोड कर लेते हो, अपना अकाउंट बना लेते हो, इसी तरीके से अकाउंट बनता है जैसे आपने फ़ोन पे का बनाया, यानी अपना मोबाइल नंबर लगाना, एक OTP लगाना, फोन आपका गूगल पे अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसके अंदर भी बैंक अकाउंट ऐड करना है,
अकाउंट ऐड करने के लिए ऊपर प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना और अपना पंजाब नेशनल बैंक चूज़ कर लेना। यहाँ से कंटिन्यू करना और यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा बैंक अकाउंट पहले से ऐड दिखा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऐड दिखा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा बैंक अकाउंट पहले से ऐड है। तो यहाँ पर फॉरगेट यूपीआई पिन का ऑप्शन हमें मिलेगा, आपको मिलेगा क्रिएट यूपीआई का, क्रिएट यूपीआई पिन करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर देख सकते हो कि वेरीफाई यूअर बैंक अकाउंट, यहाँ पर हमें दोनों ऑप्शन मिले हैं, ऊपर डेबिट कार्ड का और नीचे आधार कार्ड का। फ़ोनपे के अंदर अभी आधार कार्ड वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा। अगर गूगल पे के अंदर यही काम आप करोगे तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड वाला ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आधार कार्ड वाले पे क्लिक कर देते हो, उसके बाद कंटिन्यू करना है। यहाँ पर इंटर फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर, यानी आपको अपने आधार कार्ड के शुरू के 6 नंबर लगाने हैं। जैसे हम अपने आधार कार्ड के नंबर लगा लिए हैं, राइट करने का ऑप्शन मिल रहा है, राइट कर देते हैं। अब देख सकते हो इंटर 6 डिजिट आधार ओटीपी, आपके पास आपका आधार कार्ड का ओटीपी आएगा जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा, उसके बाद राइट करेंगे। उसके बाद इंटर 6 डिजिट बैंक ओटीपी, बैंक में भी आपका यही मोबाइल नंबर लिंक रहेगा और आधार कार्ड में भी, दोनों का ओटीपी आएगा और ओटीपी जो है ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ से इसको भी राइट कर देना है। राइट करने के बाद आपके सामने आ जाएगा सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन। ये यूपीआई पिन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप अपना बैंक बैलेंस चेक करोगे या किसी के पास पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो यही यूपीआई पिन आपका पूछा जाता है। जो यूपीआई पिन आप यहाँ पर बनाओगे गूगल पे के अंदर, यही यूपीआई पिन आपका फ़ोनपे के अंदर भी रहेगा और पेटीएम के अंदर भी आपका यही रहेगा। यानी जितने भी यूपीआई ऐप्स में आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड करोगे ना, तो आपका ये एक बार क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद ट्रांजेक्शन करोगे यही यूपीआई पिन पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर यूपीआई पिन बना लेते हैं, 6 अंकों का आपको यूपीआई पिन बनाना है और कुछ स्ट्रॉन्ग सा बना लेना है। दोबारा से कंफर्म कर देंगे इसी यूपीआई पिन को, राइट कर देंगे। राइट कर देने के बाद आपका यूपीआई पिन जो है ना सेटअप हो जाएगा सक्सेसफुल तरीके से। और जब सक्सेसफुल हो जाए तो आपको ना गूगल पे से 1 रुपये की ट्रांजेक्शन कर देनी है, यहाँ पर किसी के क्यूआर कोड पे, या फिर पे कॉन्टैक्ट लिख रहा तो यहाँ पर किसी भी मोबाइल नंबर पे 1 रुपये की ट्रांजेक्शन कर देनी है। और अब आपको आना है फ़ोनपे के अंदर, फ़ोनपे के अंदर आप आ जाएंगे और यहाँ पर ना आप दोबारा से बैंक अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पर एड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, सेंडिंग एसएमएस करेंगे। और अब देखना यहाँ पर कमाल, यानी अब आपसे ना यहाँ पर आधार कार्ड नहीं पूछेगा, ना ही आपसे डेबिट कार्ड मांगेगा, सीधा ही आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा सक्सेसफुल। अब यहाँ से आपको डन करना है, डन करने के बाद इस तरीके से बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। यहाँ से आपको आके 2 मोबाइल नंबर पे 1 रुपये की ट्रांजेक्शन कर देनी है किसी भी फ्रेंड यार दोस्त मम्मी पापा को। यहाँ से आप चाहो तो बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो इस तरीके से अपना यूपीआई पिन लगा के। जो यूपीआई पिन आपने गूगल पे के अंदर बनाया था ना, वही यूपीआई पिन आपने यहाँ पर लगाना है और राइट कर देना, आपका बैंक बैलेंस यहाँ पर चेक हो जाएगा। इस तरीके से आप ना अपना फ़ोनपे अकाउंट बना सकते हैं। अब मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा फ़ोनपे से पैसा कैसे कमाएं। देखो फ़ोनपे से पैसा कैसे कमाएं, फ़ोनपे से रेफ़र करने पे आपको 100-100 रुपये मिलता है। जैसे फ़ोनपे को आप किसी भी फ्रेंड यार दोस्त को रेफ़र करते हो तो आपको 100 रुपये मिलता है। ये देख सकते हो, इन्वाइट यूर फ्रेंड टू फ़ोनपे कैशबैक 100 रुपये। तो इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को आप देख लेना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो देखने के बाद ना आप मंथली यानी महीने में 10-15 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं फ़ोनपे से घर बैठे बिठाए बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और आपके लिए अच्छा ऑफर है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।